क्या बात है दोस्तों, भोजपुरी फिल्म आज हिंदुस्तान छोड़ करके पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है, हर जगह अपने नाम का झंडा गाड़ रही है, डंका बजा रही है। तो उसके पीछे सिर्फ हम फिल्मी लोगों का हाथ नहीं है, बल्कि उन लोगों के भी हाथ हैं जो सिनेमा से न जुड़ते हुए भी हमारे सिनेमा को विश्व स्तर पर फेमस करना चाहते हैं। ऐसी ही कुछ हस्तियों को मैं अवार्ड दिलवाने के लिए इस मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ, उस शख्सियत को, वन एंड ओनली कुमार शानू जी। और मैं कुमार शानू जी के साथ साथ मंच के ऊपर आमंत्रित करना चाहता हूँ योगेश लखानी जी, जो एमडी हैं ब्राइट आउटडोर के। भोजपुरी पर्सनैलिटी अवार्ड, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो नाम ज्योति कलश जी का है। नेक्स्ट नेम इज करण पांडे। नेक्स्ट नेम इज मधुवेंद्र राय। थैंक यू। नेक्स्ट नेम जो आ रहे हैं वो है दीपक सावंत जी। दीपक सावंत जी, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, थैंक यू डॉक्टर। नेक्स्ट नेम अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह जी प्लीज। और है yes. जोरदार तालियां। एक और नाम प्रभात, है भाई। प्रभात वर्मा। प्रभात वर्मा, प्रभात जी के लिए सही मायने में जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्त। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई एम कमिंग बैक, डोंट वरी। दोस्तों, अभी हमारी भोजपुरी के बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको यहाँ अवार्ड मिलना बाकी है, लेकिन ही खाली अवार्ड अवार्ड देखत देखत हमारा बुझाया था कि तो लोग थोड़ा बोर होता जा, तब बीच बीच में थोड़ा सा मनोरंजन का अगर तड़का लगे तो का विचार बा, होके के चाहिए कि ना एक बार और होके के चाहिए कि ना। तो ठीक है दोस्तों, मैं अब उस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ, जिस शख्सियत के बारे में मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वो इकलौता कलाकार, ऐसा कलाकार है जिन्होंने न सिर्फ भोजपुरी, हिंदी, तमिल, तेलुगु हर फिल्मों में काम किया है और भोजपुरी का नाम हर जगह उन्होंने रोशन किया है, क्योंकि अगर वो हिंदी भी करते हैं, तमिल भी करते हैं, तेलुगु भी करते हैं तो बड़ी इज्जत के साथ नाम लिया जाता है कि भोजपुरी फिल्म के ये स्टार हैं और उनकी इज्जत यानी भोजपुरी की इज्जत। और एक्चुअली मैं जो नाम ले रहा हूँ, मेरे ख्याल से शायद हमारी इंडस्ट्री का तो सब बुझ गई बाटे, केहू ऐसा ऑडियंस में बाटे जे ये जानत होके कि हम केकर नाम लेनी है, केहू हाथ उठा के बताई, क्योंकि वो इकलौते कलाकार हैं जो हर भाषा में काम किए हैं। कौन बताएगा? सॉरी, वंस अगेन,
वाव, ए बाबू, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। तो जोरदार ताली रवि किशन जी और शिविका जी के लिए। इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म्स अवार्ड अपने गुजरते हुए शाम के साथ साथ जितनी हसीन ये शाम जिस जिस तरीके से ढल रही है, ये शाम और भी रंगीन होती जा रही है। और यकीन मानिए, आप सबका साथ, आप सबके तालियों के साथ अगर मिलती रही तो इस शाम में इतने रंग घोलेंगे बॉस, इतने रंग घोलेंगे कि रंग की पहचान करना भूल जाएंगे। दोस्तों, अब मैं मंच के ऊपर बुलाने जा रहा हूँ बड़े खूबसूरत सी अदाकारा जो अगले अवार्ड को देंगी, और इस अवार्ड का नाम है भोजपुरी पर्सनैलिटी अवार्ड। वैसे तो पर्सनैलिटी हमरो ठीक ठाक बा, लेकिन केहू अवार्डवा दे तो नहीं खे। लेकिन भोजपुरी पर्सनैलिटी अवार्ड देने के लिए मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की हॉट केक कही जाने वाली अभिनेत्री अंजना सिंह को बुला रहा हूँ, और साथ में बुला रहा हूँ मिस्टर एस एम राजू जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिहार गवर्नमेंट से हैं। गुड इवनिंग दुबई। IFFA Bhojpuri Personality Award, first award goes to Mr. Rakesh Mishra. Thank you, Rakesh ji. IFFA Bhojpuri Personality Award hai jo jata hai Shubhi Sharma ji ko. So much, Subhi. And next IFFA Bhojpuri Personality Award जाता है विनोद कुमार गुप्ता जी को। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। जोरदार ताली बाजे के जाएं, काम मतलब भोजपुरिया लोग होके थक जाता है बैक मत। Yes. Thank you अभय जी। थैंक यू भोजपुरी इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स। थैंक यू सो मच गुप्ता जी। एंड IFFA भोजपुरी पर्सनालिटी अवार्ड एक और है जो जाता है सूर्या द्विवेदी जी को। ही इज रियली डिजर्विंग। जोरदार तालियां दोस्तों। भोजपुरी ने एक नाम दिया
एक मुकाम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां सूर्या द्विवेदी के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों नेक्स्ट परफॉर्मेंस में मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं, उनके बारे में क्या कहूं यार, हम खुद उनका फैन हैं। एक लाइन एगो गाना बा उनका, वो एक लौते ऐसे सिंगर हैं जिनका वो गाना जोन भोजपुरी में गौना हो, लेकिन भोजपुरी में गाने के बाद से पूरे इंडिया में, चाहे वो कौनो लैंग्वेज हो के, मराठी हो के, भोजपुरी हो के, अंग्रेजी हो के, कुछ हो के, यहाँ तक कि अमेरिका के डिस्को में, लंदन के डिस्को में बजने वाला एकमात्र भोजपुरी का गाना कोई बता सकता है कौन सा गाना है? भैया बहुत खैला बड़ा जा लॉलीपॉप है। कमरिया कोहरे ला पालो पलोली पॉप ला गेलू। आप लोग समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ, वेरी हैंडसम, हमन की इंडस्ट्री के सलमान खान कह सकें या उनके, बढ़िया बॉडी, बढ़िया फिजिक, बढ़िया स्माइल, और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास जो आवाज़ है साक्षात माँ सरस्वती की आवाज़ लेकर के हम लोगों के बीच में। बुलाने जा रहा हूँ मैं वन एंड ओनली पवन सिंह एंड अक्षरा सिंह। पूछता कहलू की साइज बाबू के आईना आई है ने देख ली टोके। अच्छा पूछता कहलू की साइज बाबू के आईना आई है ने देख ली टोके। कोनो सुनब नया जी तोहार याद, कोनो सुनब नया जी तोहार याद। परफॉर्मेंस भैया, ताली का वजिए ना सुनाई दल, धन्यवाद भोजपुरी समाज भैया।